दिव्या मध्यानी है। मेरे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बच्चे 6 मंथ्स के बाद बढ़ना बंद हो गया था। मेरा नाम संतोष सोकांडे है, मैं शाहपुर से आया हूँ। मेरा पहले बहुत कमर दर्द होता था, पेट में गैस पकड़ता था, पाँव दर्द होता था, सवेरे उठने को भारी हो जाता था, मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा नाम ज्योति है। बहुत इलाज करने के बाद मुझे पता पड़ा कि मेरी बच्चेदानी ख़राब है। मैंने बहुत हर हॉस्पिटल में इलाज कराया तो भी डॉक्टरों ने बोला कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। मेरा नाम बलदेव सिंह कलसी है और मेरी उम्र 63 साल है और मैं 4 मंगला मुंबई में रहता हूँ और मेरे को अनबैलेंस का प्रॉब्लम था। मैंने अपने डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास गया, 1 साल दवाई खाया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा नाम घनश्याम चौधरी है, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ और मेरी बड़ी माता जी का जो गाल ब्लेडर का बीएचयू बनारस में ऑपरेशन हुआ था तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, कैंसर हो गया था उनको। मेरा नाम मोहम्मद सईद कुरैशी है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मेरा टाटा मेमोरियल में कैंसर का इलाज चल रहा था, 2 बार ऑपरेशन हुआ फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ से। डॉक्टर ने जब 3री बार ऑपरेशन का बोला, जिसको कि मैंने मना किया। मेरा नाम सैयद रसूल अहमद है, मेरी उम्र 72 साल है। मैं लखनऊ में सर्विस करता था बैंक के अंदर, वहाँ पे मुझे पेन शुरू हुई। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, एमडी डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि इंजाइना का पेन है। करीब मैंने 10 साल तक उनकी दवा लगातार ली। 10 साल के बाद भी रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने कहा ये लाइफ भर आपको खाना है। जनवरी से मेरी मॉम को किडनी का प्रॉब्लम चालू हुआ। हम लोग पूना, बॉम्बे, कई सारे अस्पताल गए। अस्पताल में जाने के बाद, ट्रीटमेंट चालू करने के बाद मेरी मम्मी की प्रॉब्लम और बढ़ते गई। पहले मैं गल्फ में काम किया करता था, एक बड़े ऑयल फील्ड में, और जब मैं उधर से छुट्टी पर आ गया था उस वक्त मेरी मिसेज को 2 ब्रेन स्ट्रोक आए हुए थे और जिसकी ट्रीटमेंट बड़े डॉक्टरों से चल रही थी और उसकी वजह, वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उसके मेमोरी और उसकी आई साइट, ये दोनों पर काफ़ी असर हो गया था। मेरा नाम मनमोहन है, मैं डैडी के सिलसिले में, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम था, उनकी काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट काफ़ी सारी जगहों पे कराई मगर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जहाँ भी जाते थे डॉक्टर कहते थे कि ही हैज़ टू गो फॉर अ सर्जरी। मदर इन लॉ के थ्रू मैं मुनीर खान के पास आई। यहाँ पे दवाई लेने के बाद लास्ट 3 मंथ्स मैंने दवाई ली एंड नाउ अभी बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और अभी आई एम प्राउड मदर ऑफ अ वेरी हेल्दी बेबी। तो किसी ने मुझे मुनीर खान के बारे में बताया तो मैं यहाँ आई। 3 महीने मेडिसिन लेने के बाद मुझे मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मैं मुनीर खान को थैंक्स बोलती हूँ, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। एक दिन ऐसा ही टीवी देख रहा था, उतने में मुनीर खान साहब का कार्यक्रम देखा। वो देख के मैं दूसरे दिन ही साहब की क्लिनिक पे आया, उनको अपना परेशानी बताया, वो परेशानी देख के मेरे को दवा दे दिया। वो दवा लेके मैं 2-3 डोज ले लिया, मेरे को अच्छा लगा, मैं 80% अभी ठीक हो गया। इसलिए मुनीर खान साहब का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब का, मुनीर खान साहब का एड देखा टीवी पे, फिर मैं डॉक्टर साहब के, मुनीर खान साहब के पास आया तो मेरे को इन्होंने एक बॉटल दिया। एक बॉटल में मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा फ़र्क है, फिर मैं फिर दूसरा बॉटल पिया तो मैं एकदम ठीक हो गया। तो मैं आमिर खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे को इन्होंने नया जिंदगी दिया। थैंक यू आमिर खान साहब। टीवी के ऐड के द्वारा यहाँ आया मुनीर साहब के क्लिनिक पर, तो यहाँ जब दवा लिया एक बॉटल तो उनको आराम मिला। उसके बाद फिर मैं दोबारा भी लिया, हाँ, तो उनका एकदम बिल्कुल जो भी बीमारी थी सब खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद मेरे बड़े पिताजी को जो है कुछ प्रॉब्लम थी, वो कहे कि ऐसा है कि
चल के उनके मतलब मेरा भी मैं भी इलाज करवा लेता हूँ। जब इतना आराम मिल गया है एक परिवार को तो हम कहे ठीक है, मैं फिर जाके वहाँ से दवा लाता हूँ। फिर मैं आया जब अपने बड़े पापा के लिए तो यहाँ से एक बाटल लेके गया, उसके बाद उनको आराम मिला। उनको जो है पेशाब से खून आ रही थी और दर्द बहुत ज़्यादा होता था। जब पहला बाटल दिए तो दर्द भी ख़त्म हो गया और जो ब्लड आता था वो भी बंद हो गया। उसके बाद फिर दूसरा बाटल लिया, अभी इस समय 80% उनको आराम है। पहला तो मेरा आराम हुआ बड़ी माता जी का, दूसरा जो है मेरे बड़े पापा को भी आराम मिला। मेरे घर में जो है दो दो लोग मैं जो है इस दवा से जो है मुनीर खान की दवा से दो दो परिवार मेरे बड़े पापा और मम्मी दोनों को आराम मिला। इनकी दवा हमारे दो दो परिवार को ठीक किया और मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और डॉक्टर मुनीर खान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे मुनीर खान साहब का किसी से एड्रेस मिला, जब मैं उनके पास आया उन्होंने मुझे बताया, मैंने रिपोर्ट उनको बताई अपनी, तो उस वक्त तक काफ़ी फैलना शुरू हो गया था, हड्डी में भी प्रॉब्लम आने लगी थी। लेकिन इस दवाई लेने के बाद मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और जो रिपोर्ट मेरी पहले की थी उसमें भी काफ़ी कमी आई है और अब बिल्कुल मैं फिट हूँ। मैं चल भी नहीं पा रहा था लेकिन अब अच्छे से चल रहा हूँ। मुझे देखने के बाद और भी पेशेंट आए हैं जिनको कि काफ़ी आराम मिला है यहाँ से, और मैं मुनीर खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है और मैं उनका एहसान मंद रहूँगा। उसी दरमियान मेरे बच्चे ने सुना कहीं डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का, तो वो लेकर मुझे वर्सोवा बंगले के ऊपर लेके गया 2002 में। वहाँ से मैंने दवा करीब 4 शीशी खाई, उससे मुझे काफ़ी आराम था। उसी दरमियान बंद हो गया था, वहाँ से जब ये खुला है तो उसके बाद फिर आया मैं और डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से मुलाकात की और बताया इसे कि पहले 4 शीशी में खा चुका हूँ और आगे खानी है या नहीं खानी है, तो कहने अभी इसको चालू रखो, 80% और 90% मैं बिल्कुल फिट हूँ। जब से इनकी दवा खा रहे थे, एलोपैथिक दवा हमने बिल्कुल बंद कर दी थी। पिछले महीने से मैंने अपनी वाइफ को देखा, उनको भी पेन था, तो दवा यहाँ ले जा करके अभी उनकी पहली शीशी है और खाना बिल्कुल भूख लगना बंद हो गया था। अब जब उन्होंने खाया है तो उससे तो खाना भी खाने लगी है, थोड़ा टहल वहल भी रही है और आराम है, और इंशाल्लाह आगे भी उनकी दवा जारी रहेगी। अब मैं शुक्रगुजार हूँ साइंटिस्ट मुनीर साहब का कि उनकी वजह से मुझे काफ़ी आराम हुआ है और मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि मुनीर खान साहब की उम्र दराज करें और कौम की खिदमत करें। शुक्रिया। काफ़ी दिनों के बाद मेरे दोस्त मिला। दोस्त मिलने के बाद मुझे उन्होंने साइंटिस्ट मुनीर खान जी से मिलाया। मिलने के बाद हमने मुनीर खान जी का ट्रीटमेंट चालू किया और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद मेरी मम्मी के बारे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो आज मैं कहना चाहूँगा मुनीर खान जी मेरे लिए इंसान नहीं भगवान है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार मुनीर खान जी से मिलिए, जिनको जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैं मुनीर खान जी का बेहद बेहद दिल से शुक्रगुजार हूँ। और महीना डेढ़ महीना वहाँ पे इलाज करने के बाद हमें उधर से कुछ ज़्यादा खास अच्छा रिपोर्ट नहीं मिला। इससे पहले मुझे याद आ गया कि मैंने अपने एक फ्रेंड से रिकमेंड किया था, उसकी बेटी को ऐसा ही ब्रेन स्ट्रोक आया था और मैंने डॉक्टर मुनीर साहब का कहीं नाम सुना था और उनके दवाइयों के बारे में, तो मैंने उनको रिकमेंड किया, बोले चलो जाओ और देखो तुम्हें क्या असर मिलता है। तो वो बम्बई में आके उन्होंने उनसे मुनीर खान साहब से उसका इलाज करवाया। एंड बिलीव मी कि उसका डॉक्टर को इतने हैरत हो गए उसके पहले डॉक्टरों के कि उसका स्काल्प भी नज़र नहीं आ रहा था ब्रेन स्ट्रोक का, हालांकि स्काल्प नहीं जाता है कभी, मगर वहाँ पे इतनी रिकवर हो गई कि उसका स्काल्प भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई आपने हम लोगों को भेजा और फिर आप खुद क्यों नहीं जा रहे हैं उनके पास, तो जिसकी वजह से मैं मुनीर साहब के पास आ गया हूँ। और इसके इलाज के लिए मैंने वहाँ से पहले एक बॉटल ली, बाद में दूसरी बॉटल ले ली
और उनके असर नज़र आने लगे और उन्होंने कहा था कोई दवाई ना लें, इसको ही दवाई ना, उसके सारे दवाएं बंद हो गए, जो दिन में कम से कम 12 दवाएं चल रही थी उसकी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और यही दो दवाएं इसके बाद, हाँ उसके बाद में उसको इतनी तकलीफ़ नहीं हुई और कम से कम उसको 60-70% का तो अच्छा रिपोर्ट मिल गया। इसलिए मुनीर साहब का हमारे समझो एक ज़िंदगी में आ गए, एक मालूम पड़ गया, तो उनकी एक वाया समझो उनकी, वो हमारे हम लोगों का भी, हमारी फैमिली बहुत हैप्पी हैं एंड वी आर हैप्पी ऑल्सो टुगेदर। किसी ने कहा मुनीर खान के पास आप एक बार दिखा दीजिए, ही वुड बी बेटर। तो उनका ट्रीटमेंट लेने से ही इज़ नाउ विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन, टचवुड आज 8-9 महीने से मेडिसिन कोई नहीं खा रहे एंड ही इज गोइंग ऑन वेल। थैंक यू फॉर मुनीर खान। हेल्थ रिएक्टिव में हम आपकी सारी बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वेलकम टू द हेल्थ रिएक्टिव।